दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और गाइड एडवोकेट अमित गुप्ता। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं सिक्योरिटीज़ लॉ को समझाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, और मेरा मोटिव और उद्देश्य ये है कि भारत का हर इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ लॉ के कानून को समझे और उसका पालन करे और किसी भी अनस्क्रूपुलस स्टॉक ब्रोकर के चंगुल में ना फंसे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम टाइम पे कुछ सर्कुलर्स, कुछ गाइडलाइंस निकालती है आप सबके हित के लिए। उसी को मैं सिंप्लीफाइड मैनर में आप सब लोगों को समझाता हूँ और आपके आपके नज़दीक लेके आता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ सेबी की वेबसाइट को ओपन करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन करें या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को ओपन करें। तो जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज़ माई ड्यूटी एंड आई फील इट इज़ माई ड्यूटी टू मेक द इन्वेस्टर्स अवेयर अबाउट द सिक्योरिटीज़ लॉ, अबाउट इट्स सिंप्लीफिकेशन। आज मैं आपके बारे आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर्कुलर नंबर 53 2020 का सर्कुलर नंबर 53 ऑफ 2020 के बारे में बताना चाहूँगा। उसका सब्जेक्ट है इन्वेस्टर अवेयरनेस रिगार्डिंग द रिवाइज गाइडलाइंस ऑन मार्जिन कलेक्शन। दिस सर्कुलर हैज बीन प्रोमुलगेटेड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड वॉट आर द की हाईलाइट्स, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द की हाईलाइट्स बिफोर यू। What the heading says, attention investors, attention investors. The first point is, I just want to read from the circular for your convenience. Stock broker can accept securities as margin from client only by way of pledge in the depository system with effect from 1st of September 2020. यानी केवल pledge mark करके ही वो shares आपसे securities के रूप में ले सकता है, बिना प्लेजिंग मार्क करे वो मार्जिन में शेयर्स को नहीं ले सकता। यानी अगर कोई आपको गाइड करता है स्टॉक ब्रोकर कि आप बिना प्लेज मार्क करे उसकी डीपी में माल ट्रांसफर करा दें, तो कानून के हिसाब से ये अब संभव नहीं है। तो आपकी कंसेंट, आपकी अप्रूवल के बाद ही ये शेयर पे प्लेजिंग मार्क होगी और फिर उसका एक्सपोजर आपको स्टॉक ब्रोकर आपका आपको ग्रांट करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में कह भी चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, रिगार्डिंग द अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आज हम डिजिटल एज की तरफ चल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि हम सबको डिजिटल मैकेनिज्म का ही पालन करना है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक उसका बहुत अच्छा साधन है। अपने को अपडेट रखें थ्रू मोबाइल एंड थ्रू ईमेल आईडी कि क्या ट्रेड हो रहा है और क्या ऑर्डर्स कंफर्मेशन आपने अपने स्टॉक ब्रोकर को दी है। इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग आपके ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं हो गई। तीसरा है, पे 20% अपफ्रंट मार्जिन ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ ट्रेड इन द कैश मार्केट सेगमेंट। 20% तक आप अपफ्रंट मार्जिन दें कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ये तीन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। सर्कुलर 2 सितंबर 2020 को आया था, डाउनलोड नंबर है 45565 53 ऑफ 2020। दिस इज द सर्कुलर अवेलेबल ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या क्लैरिफिकेशन लेना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर डायल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810440459। आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट अमित गुप्ता, नमस्कार।